Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new topic. So the name of topic is concentration of force by gravity separation method. या इसी का एक और नाम है hydraulic washing method. नहीं, जो नाम से कहना है कोई दिक्कत नहीं है कहिए. नहीं, तो ये जो है आपका first method है किसका? Concentration of force का. हम पिछले क्लास में बताए थे कि concentrations of force का दो method होता है, एक physical method और एक chemical method. फिजिकल मेथड्स में भी तीन मेथड पढ़ना था और केमिकल्स मेथड में क्या पढ़ना था? एक मेथड पढ़ना था जो कि लीचिंग था. नहीं, तो अभी हम केमिकल्स मेथड्स पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं फिजिकल मेथड पे. फिजिकल मेथड्स का फर्स्ट में हमको पढ़ना था ग्रेविटी सेपरेशन मेथड. नहीं, या इसी का एक और नाम है हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड. तो उसी के ऊपर अभी इस क्लास में हम बात करने वाले हैं. तो आप इसको केवल ध्यान से सबसे फर्स्ट डायग्राम समझिएगा, लिखना बड़ा इजी होगा. मेरा यकीन मानिए, अगर आपको डायग्राम क्लियर हो गया तो आप अपने से लिख लीजिएगा, इसके बारे में कुछ नहीं है लिखना. नहीं, तो सबसे फर्स्ट हम इसको समझते हैं. देखिए, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाए हैं. यहां पे आपको दिख रहा होगा कि एक कंटेनर है, सबसे टॉप पे यहां पे ब्लू कलर का एक कंटेनर दिख रहा होगा. कंटेनर में हम क्या रखे हैं? पाउडर्ड ओर को रखे हैं. और पाउडर्ड ओर क्या होता है? देखिए, पाउडर्ड ओर कैसे बनाया जाता है. इसमें हम क्या रखे हैं? पाउडर्ड ओर रखे हैं. अब कैसे इसको बनाया जाता है उसको थोड़ा सा सुनिए. अर्थ के नीचे क्या पाया जाता है? ओर्स पाया जाता है. तो अर्थ के नीचे से हम क्या करेंगे? ओर्स को निकालेंगे, डिग आउट करेंगे. अर्थ के नीचे से ओर्स को डिग आउट करेंगे, निकालेंगे. और उस ओर्स को क्या करेंगे कि मशीनरीज के द्वारा, उस ओर्स को मशीनरीज के द्वारा पाउडर्ड के फॉर्म में कर देंगे. क्योंकि ओर्स तो क्रिस्टलिन के फॉर्म में होगा, एक क्रिस्टल के फॉर्म में होगा. नहीं, तो उसको क्या करेंगे? मशीनरीज के द्वारा पाउडर्ड के फॉर्म में कर देंगे. तो वही कहलाता है पाउडर्ड ओर. और उसी पाउडर्ड ओर को हम इस कंटेनर में रख देंगे. ठीक है, अब ये कंटेनर में हम पाउडर्ड ओर रख दिए. अब बात आपको एक चीज और जानकारी होना चाहिए कि पाउडर्ड ओर में, पाउडर्ड ओर में प्योर ओर भी होगा और इंप्योरिटीज भी होगा. क्या क्या होगा? प्योर ओर भी होगा और इंप्योरिटीज भी होगा. क्योंकि अर्थ के नीचे से हम निकाले हैं ना उसको, तो उसमें कुछ कुछ अर्थली इंप्योरिटीज होगा, जैसे सैंड वगैरह होगा. तो उसमें क्या होगा? प्योर ओर्स भी होगा और इंप्योरिटीज भी होगा. ठीक है, और आपको एक बात और जानकारी के लिए बता दें कि प्योर ओर का डेंसिटी ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू इंप्योरिटीज. नहीं, तो प्योर ओर का डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा. और इंप्योरिटीज का डेंसिटी क्या होगा? कम होगा. तो ये चीज समझ में आ गया कि इस कंटेनर में क्या रखा है? पाउडर्ड ओर रखा है. और पाउडर्ड ओर में प्योर ओर भी होगा और इंप्योरिटीज भी होगा. मींस इसमें प्योर ओर भी होगा और इंप्योरिटीज भी होगा. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे वाटर को सप्लाई कर रहे हैं. इस कंटेनर में वाटर को सप्लाई कर रहे हैं, वो भी कैसे? हाई प्रेशर से. अब जब हम वाटर को हाई प्रेशर से इस कंटेनर में सप्लाई करेंगे तब क्या होगा? तब होगा क्या कि इसमें क्या है? प्योर प्लस इंप्योर दोनों है. पाउडर्ड ओर में मींस दोनों आपस में क्या होगा? मिलेगा. नहीं, और मिल करके क्या बनाएगा? झाग बनाएगा. दोनों आपस में क्या होगा? मिलेगा और मिल करके झाग बनाएगा. अब आपको हम कॉन्सेप्ट के लिए एक चीज बताए थे कि प्योर ओर का डेंसिटी ज्यादा होता है और इंप्योरिटीज का डेंसिटी कम होता है. सो यहां पे प्योर और इंप्योर दोनों है, तो इंप्योर का डेंसिटी ज्यादा होगा. तो इंप्योर वाला क्या करेगा? ऊपर में तैरने लगेगा. नहीं, इंप्योर वाला क्या करेगा? ऊपर के सरफेस में तैरने लगेगा और प्योर वाला नीचे रहेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि इंप्योर का डेंसिटी कम होता है और प्योर का डेंसिटी ज्यादा होता है. तो डेंसिटी के कारण इंप्योर वाला ऊपर तैरने लगेगा. नहीं, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं? हाई वाटर प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं. और इंप्योर वाला ऊपर में क्या करेगा? फ्लोट करेगा, तैरने लगेगा. और फिर इंप्योर वाला ऊपर में तैरने लगेगा और तैरेगा. और एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि ये वाटर हाई प्रेशर जो है कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है, तो ये इंप्योर वाला क्या होगा? फ्लोट करने लगेगा, बहने लगेगा. और ये जो है इंप्योर वाला, वो फ्लोट करके और फिर ऐसे नीचे आने लगेगा. अब यहां पे हम लगा दिए हैं एक इंक्लाइंड बेड लगा दिए हैं, एक इंक्लाइंड सरफेस लगा दिए हैं जिसमें कि बेड भी है. नहीं, यहां देखिए, कंटेनर से हम कनेक्ट कर दिए हैं एक इंक्लाइंड सरफेस को और इसमें क्या लगा दिए हैं? बेड लगा दिए हैं. तो यहां से इंप्योरिटीज, रेड वालों को मत देखिएगा, यहां से मान लीजिए आपका इंप्योरिटीज निकल रहा है. देखिए, ये इंप्योरिटीज फ्लोट कर रहा है और ये निकल रहा है, और ये इंप्योरिटीज जो है इस बेड में जाकर के फंस जाएगा. नहीं,
अब फिर से इम्प्योरिटीज कंटिन्यूअस निकलेगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज होगा, तो फिर से इम्प्योरिटीज निकलेगा और फिर बहेगा और फिर यहां पे जाके बेड में फंसेगा। नेक्स्ट स्टेप में और भी इनक्लाइंड बेड होगा, उसमें भी जाके इम्प्योरिटीज क्या होगा, फंस जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जिसमें इसमें से मैक्सिमम इम्प्योरिटीज फ्लोट कर चुका होगा और मैक्सिमम इम्प्योरिटीज फ्लोट करके इस बेड में फंस जाएगा। अब क्या होगा कि इसमें क्या बचेगा, केवल प्योर ओर बचेगा। अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 100% प्योर ओर बचेगा, लेकिन मैक्सिमम परसेंट क्या बचेगा, प्योर ओर ही बचेगा। नहीं, इम्प्योरिटीज बाहर फ्लोट कर चुका है। अब प्योर ओर क्या करेगा, ये आपको हम प्योर ओर को दिखा रहे हैं रेड वाले से कि प्योर ओर बचेगा। तो ये तो है जो वाटर को हाई प्रेशर में हम सप्लाई कर रहे हैं, ये तो कंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूअस है। इसके कारण क्या करेगा कि अब प्योर ओर भी क्या करेगा, ऊपर में फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा और ऊपर में फ्लोट करेगा और ये रेड वाला यहां से लेके नीचे आ रहा है। अब क्या होगा कि ये जो रेड वाला प्योर ओर है यहां पे आकर के फंसेगा नहीं, क्योंकि बेड में पहले से ऑलरेडी इम्प्योरिटीज फंसा हुआ है। नहीं, इम्प्योरिटीज यहां पे जाकर के जम गया है, एक लेयर बना लिया है, तो उस लेयर के ऊपर से आपका प्योर ओर क्या होगा, फ्लोट करते रहेगा और फाइनली जो है नीचे एक कंटेनर रखे हैं वहां पे जाकर के प्योर ओर कलेक्ट हो जाएगा। नहीं, प्योर ओर कलेक्ट हो गया और हमको इसी को क्या करना था, कलेक्ट ही करना था, किससे, पाउडर्ड ओर से। पाउडर्ड में क्योंकि प्योर ओर भी होता है, इम्प्योरिटीज भी होता है, अगर हम प्योर ओर को सेपरेट कर दिए यहां पे तो प्योर ओर ही क्या है, कंसेंट्रेशन है। अरे समझे, इसी का तो कंसेंट्रेशन करना था, प्योर ओर का क्या करना था, कंसेंट्रेशन करना था। अब एक बात और, हम नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पे 100% प्योर होगा, कुछ कुछ इम्प्योरिटीज भी आएगा, लेकिन ये जान लीजिए कि यहाँ पे अगर 100% में से आपका मैक्सिमम परसेंट प्योर इम्प्योर दोनों था तो यहाँ आपका मैक्सिमम परसेंट प्योर होगा, इम्प्योर का परसेंटेज बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रोसेस। नहीं, यहां से फिर आपको एक बार हम समझा दे रहे हैं कि इसमें पाउडर्ड और में प्योर भी होगा, इम्प्योरिटीज भी होगा, प्योर ओर और इम्प्योरिटीज दोनों होगा। इम्प्योरिटीज का डेंसिटी कम होता है, इसके कारण ये क्या करेगा, पहले ऊपर में फ्लोट करना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे इनक्लाइंड सरफेस लगा है और इसका बेड लगा, इसमें क्या है, बेड्स भी है, तो इनक्लाइंड सरफेस है और बेड्स में है, तो इम्प्योरिटीज पहले फ्लोट करेगा और ये बेड्स में जाकर के फंस जाएगा, एक लेयर बनाएगा, बचा हुआ इम्प्योरिटीज फिर नीचे गिरेगा, फिर इसमें जाकर के इस बेड्स में फंसेगा और भी जो बचा हुआ इम्प्योरिटीज होगा इसमें आएगा, इसमें फिर फंस जाएगा। मीन्स इम्प्योरिटीज बेड्स में फंस गया, अब बचा इसमें केवल प्योर ओर। प्योर ओर भी आपको फ्लोट करना स्टार्ट करेगा क्योंकि हम वाटर को हाई प्रेशर से कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं। तो ये जो है जब फ्लोट करना स्टार्ट करेगा तो जब ये बेड्स के पास आएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी लेयर बन चुका है इम्प्योरिटीज का, मीन्स यहाँ पे ये प्योर ओर रुकेगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से पास कर जाएगा, फिर यहां आएगा ऊपर से पास करेगा, फिर यहां आएगा ऊपर से पास करेगा, ये रेड वाला दिख रहा होगा आपको, और फाइनली जो है नीचे एक हम कंटेनर लगा चुके हैं, उस कंटेनर में जाकर के प्योर ओर सारा का सारा कलेक्ट हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं कि यहाँ पे 100% प्योर नहीं होगा बट 99% प्योर ओर ही होगा, हो सकता है 81% इम्प्योरिटीज हुआ, बट यहां से तो अच्छा है, इससे तो अच्छा है, मान लो इसमें 60% ओर और 40% इम्प्योरिटीज है और यहाँ पे हम 99% या 98% क्या कर दिए, प्योर ओर को फॉर्मेशन कर दिए, तो यहां से तो अच्छा हुआ। मीन्स हम क्या किए, पाउडर्ड ओर से प्योर ओर, मीन्स कंसेंट्रेशन कराए ओर का, क्या कराए, ओर का कंसेंट्रेशन कराए, किसके हेल्प से, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड्स के हेल्प से, और ये वाटर एट हाई प्रेशर में हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड में वाटर को हाई प्रेशर में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, बेसिक डायग्राम से आपका ग्रेविटी सेपरेशन मेथड्स का समझना। अब हम इसी चीज को यहां पे लिखे हैं, तो आप एक बार बस पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। सो व्हेन वाटर इज पास्ड इनटू बीकर एट हाई प्रेशर, नहीं, बीकर में क्या कर रहे हैं, वाटर हाई प्रेशर से पास करा रहे हैं, इम्प्योरिटीज स्टार्ट फ्लोटिंग एंड व्हेन इट ओवरफ्लो, इम्प्योरिटीज क्या करेगा, फ्लोट करना पहले स्टार्ट कर देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा हो रहा है और ये ओवरफ्लो करेगा। इम्प्योरिटीज सेटल डाउन बेड्स एंड प्योर ओर इज कलेक्टेड एट बेस इंक्लाइंड प्लेन, इम्प्योरिटीज जो है वो बेस के पास क्या, सॉरी बेड्स के पास क्या होगा, सेटल हो जाएगा और फिर प्योर जो है आपका कहां पे आएगा, प्योर कहां पे आएगा, इंक्लाइंड प्लेन के नीचे कलेक्ट हो जाएगा। दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर दोस ओर
which have difference in density between ores and impurities. ये जो gravity separation method है या hydraulic washing method, ये उसी ores के लिए applicable है, नहीं, ये उसी ores के लिए applicable है जिसमें कि impurities का और pure ore का density different है, नहीं, ऐसे समझे ना, ये powdered ore है, means ये ore है आपका जो कि हम earth से पाए हुए हैं. अब ये जो है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड वही पाउडर्ड ओर के लिए या वही ओर के लिए एप्लीकेबल है जिसका कि प्योर ओर और इंप्यूरिटीज दोनों का डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट हो. अगर दोनों का डेंसिटी सेम होगा तब क्या होगा, अपने से सोचिए, इसमें प्योर ओर का भी इंप्यूरिटीज का भी दोनों का डेंसिटी सेम है, मीन्स दोनों एक ही साथ फ्लो करेगा, तो इस वेट्स में जो है आपका इंप्यूरिटीज भी फंसेगा और प्योर ओर भी फंसेगा, मीन्स आपको फाइनल प्रोडक्ट मैक्सिमम जो है प्योर ओर नहीं मिल पाएगा. ठीक है, तो इसी के कारण लिखा हुआ है कि ये मेथड्स उसी ओर के लिए एप्लीकेबल है जिसमें कि प्योर ओर और इंप्यूरिटीज का डेंसिटी डिफरेंट है. इसका एग्जांपल, तो एग्जांपल होगा Fe2O3. Fe2O3 जो है ये भी एक ओर है, इसका नाम है हेमाटाइट ओर, नहीं हेमाटाइट ओर है और ये इसका बेस्ट एग्जांपल है. ठीक है, तो ये हुआ ग्रेविटी सेपरेशन मेथड. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. तो नेक्स्ट क्लास में कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का सेकंड लेक्चर देखेंगे जिसमें कि हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.